पंजाब को योगी मॉडल की दरकार, क्यों सुस्त पड़ी पंजाब पुलिस की रफ्तार, पंजाब पुलिस को किससे है खतरा, पंजाब पुलिस को किसने दी अंजाम भुगतने की धमकी, कौन है संदीप केकड़ा, क्यों है चर्चा में। भारत के एक राज्य में तो मानो इन दिनों माफियाओं का बोलबाला है, वहीं दूसरा एक राज्य ऐसा है जहां गुंडे माफिया फन फैलाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया जाता है। जी हां, हम जिन दो राज्यों का जिक्र कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, एक योगी का यूपी वाला राज्य और दूसरा भगवंत मान का पंजाब। हर गली मोहल्ले में चर्चा आम है कि अगर पंजाब की भागदौड़ योगी के हाथ में होती तो पंजाब में आज ऐसे हालात न बिगड़ते और शायद अब तक मूसावाले के हत्यारे सलाखों के पीछे अपने रहम की भीख मांग रहे होते। आपको बता दें कि पंजाब सरकार को बिश्नोई गैंग की खुली धमकी तक सामने आ रही है। उधर यूपी पुलिस ने कानपुर हिंसा के साजिशकर्ताओं के पोस्टर चिपकाकर महज 48 घंटे में राइट टाइम पर कार्रवाई की। तभी तो सल्लू नाम के एक पत्थरबाज ने खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर तक कर दिया। इसलिए पंजाब पुलिस की सुस्त चाल चर्चा का विषय बनी हुई है। महज 8 शार्प शूटरों की फोटो के सहारे पुलिस कड़ी दर कड़ी खोजने में जुटी हुई है। 4 आरोपियों को जैसे तैसे गिरफ्तार पुलिस कर पाई। आपको बता दें कि मूसावाले के हथियारों के हौसले तो मानो 7वें आसमान पर दिखाई देते हैं। तभी तो वो बेखौफ होकर पुलिस को ही सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। मनसा के SHO को विदेश से फर्जी नंबरों से धमकी भरे कॉल्स और मैसेज मिलने तक की खबरें छप रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि मूसावाले की रैकिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने शिनाख्त करके जब से पकड़ा है मानो बदमाश खुद ही पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं और फर्जी कॉल से धमकियां दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये धमकी भरी कॉल सिर्फ SHO को नहीं बल्कि इस मामले की जांच कर रहे कई बड़े आला अधिकारियों को भी आ चुकी है। हर बार नए नंबर से कॉल्स आती है और अंजाम भुगतने तक की बात बोली जाती है। फिलहाल पंजाब पुलिस उन फर्जी नंबरों की तह तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है, खबरें यही छप रही हैं। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कौन है संदीप उर्फ केकड़ा और क्यों ये पुलिस के लिए खुद सिरदर्द बन गया। माना जा रहा है कि इसी की गिरफ्तारी के बाद 8 शार्प शूटरों की कहानी कड़ी दर कड़ी साफ होती जा रही है, जिसमें पंजाब के तरन तारा के जगरूप सिंह, रूपा, मनप्रीत मन्नू और हरियाणा के सोनीपत से प्रियव्रत फौजी और मनप्रीत भोलू, महाराष्ट्र का रहने वाला संतोष यादव और सौरभ महाकाल राजस्थान के सिकरी का सुभाष जैसे 8 कुख्यात गैंगस्टर की शिनाख्त कर दी गई है। आइए आपको बता दें कि संदीप की पूरी कहानी क्या है। बताया जा रहा है कि इन्हीं छात्रों ने रैकी करके मूसावाले का काम तमाम करवाने की कोशिश की। रैकी के दौरान इन्हें पता चला था कि मूसावाला का स्वभाव अपने फैंस के साथ घर के बाहर फोटो खिंचवाने का है। वो अक्सर अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे फोटो क्लिक करवाते थे और मेहमान नवाजी भी अपने फैंस की करते थे। इसी तर्ज पर इस शख्स ने मूसावाले का फैन बनके मुखबरी की, जिसमें उसने हत्या करने वालों को ये सूचना दे दी कि आज मूसावाला बिना सिक्योरिटी के निकला है। इसी कोशिश से मूसावाले का काम तमाम हो गया। खैर, मूसावाले के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, ये पूरा देश चाहता है, मगर क्या वाकई में योगी मॉडल की दरकार, क्योंकि जिस तरह से अपराधी और अपराध अपना मन पसार रहे हैं उसे कुचलने के लिए योगी का बुलडोजर का अंदाज ही आखिरी रास्ता दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।